बताइए आप मुझे, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर रोज का प्रतिदिन का कितना खर्चा होता है बताइए देश की जनता को। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ना लड़के भगवान श्री राम लड़ रहे हों। अरे भैया आप राम को क्यों खराब करने में लगे हैं? और ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए जाना जाता है, ये देश अमन चैन शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता है। कैसा हिंदू हृदय सम्राट जो हिंदुओं को दफना रहा है रेत में, और जब आंधी चलती है तो रेत उड़ता है तो उनकी लाशें दिखाई देती हैं, या एक ऐसा हिंदू सम्राट जो जिसने हिंदुओं को ही नदियों में लाशें बहा दी उनकी, ऐसा हिंदू सम्राट, इसे आप हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं? आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि आपने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ा है? आज देश के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, चाहे वो देश की गवर्नमेंट संपत्ति हो, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, रेड फोर्ट हो, एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, चाहे वो तमाम बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं हो। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लीडर नहीं है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर, योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री, या फिर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया मास्टर, या फिर कैमरामैन प्रधानमंत्री जी, या 24 घंटे ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ही मुख्यमंत्री को बधाई नहीं देते उनके जन्मदिवस के अवसर पर। तो आप ये देखिए सरासर, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली में आना पड़ता है, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करनी पड़ती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था बहुत खस्ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो आप देख रहे हैं कि घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो घटनाएं बलात्कार की हों, चाहे वो घटनाएं ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले बच्चों की हों, चाहे फिर वो घटनाएं वो हिंदुओं को रेत के अंदर दफनाए जाने की हों, चाहे फिर वो नदियों से निकलती हुई घटनाएं हों, या ऐसी घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, जिस कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट की छवि जो है वो लगातार दागदार होती जा रही है। देखिए सीएम के दावा करने से कुछ नहीं होगा, सीएम के दावा करने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि 15-15 लाख आएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं आए हैं, और उसकी वीडियो मैं आपको दिखा भी चुका हूं प्रूफ के तौर पर। सुनिए एक मिनट, आप इंटरप्ट मत करिए जी, ठीक है? आप 15 लाख की बात कर लें, चाहे फिर आप 100 स्मार्ट सिटी की बात कर लें, चाहे वो 2 करोड़ आप रोजगार की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी अपने लगातार वादों पर, अपने लगातार देश की जनता से जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन पर निष्फल और नाकाम रही है। और इसी कारण से अब इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखना और सुनना पसंद नहीं करती है। देखिए राम इस देश के अंदर 133 करोड़ जनता की आस्था का प्रतीक है, और आप भगवान श्री राम की मर्यादा को, उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। आप अपने पैसों के खातिर, अपनी कुर्सी के खातिर जो आपने राम की और राम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, आपको एक बात बता दूं कि राम को कोई पैसों की जरूरत नहीं, और जब इंसान के पास कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए वो राम के पास जाता है। लेकिन पहली बार इन लोगों ने राम की छवि को इतना धूमिल कर दिया, राम को पॉलिटिक्स में ला के खड़ा कर दिया कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ना लड़के भगवान श्री राम लड़ रहे हों। अरे भैया आप राम को क्यों खराब करने में लगे हैं? और ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए जाना जाता है, ये देश अमन चैन शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता है, तो इस देश के अंदर नफरत की कोई जगह नहीं है। और जो लोग राम के नाम को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, अरे भैया राम की जमीन को आप पैसों में सौदा कर रहे हैं, कभी आप देखते हैं कि राम के नाम पे चंदे के सौदे की बात आती है सामने, आप क्यों राम के नाम को बदनाम करने में लगे हैं? राम हमारी आस्था से जुड़े हैं, हमारे हृदय में राम है, और हमें इसका प्रमाण किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को या प्रवक्ता को देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सबसे पहले अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारत एक सेकुलरिज्म देश है, तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म को हटाना होगा, और हमें भी हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र में हमें हिंदू नहीं, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसमें सभी व्यक्ति एक साथ एक मिलजुल कर रहें, अमन चैन शांति और भाईचारे के साथ रहें। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि लोगों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है, उनके साथ शोषण किया है, उनके बच्चों के भविष्य के साथ में शोषण किया है। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि आपने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ा है? आज देश के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, चाहे वो देश की गवर्नमेंट संपत्ति हो, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, रेड फोर्ट हो, एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, चाहे वो तमाम बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं हो। आज देश के अंदर एग्जाम्स नहीं होते, लेकिन शराब के ठेके और दारू के ठेके खोल दिए जाते हैं। देश के अंदर देश का किसान सड़क पर बैठा है, देश का जवान बॉर्डर पर मर रहा है, लेकिन देश की सरकारों को कोई फर्क नहीं है। नेशनल चैनल की मीडिया और देश के पत्तल चाट पत्रकार सिर्फ ये दिखाते हैं कि कब
इस देश के अंदर यूपी चुनाव की बैठक हो रही है, कब बंगाल चुनाव की बैठक होती है, कब बिहार चुनाव की बैठक होती है, और कब मोदी जी रेडियो पर मन की बात लेकर आ रहे हैं। और रेडियो की मन की बात से याद आया कि मोदी जी सब कुछ तो बेच ही रहे हैं, आपके कपड़े भी जल्दी बिकवा देंगे, फिर सिर्फ एक हाथ में आपके रेडियो रहेगा जिसपे आप मोदी जी के मन की बात सुनते रहेंगे। उनकी मन की बात से क्या फायदा है, वो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रधानमंत्री हैं। अरे यार फिर आप कैसी बात कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, टीचर की मन की बात तो स्टूडेंट सुनना चाहता है, लेकिन आपने स्कूल बंद कर रखे हैं, आप ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कराते हैं तो ये नहीं पता चलता कि कब आप किस राज्य के अंदर नेट सेवा बेहाल कर दें। आप तो जम्मू कश्मीर की बात करते थे, आपने पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना दिया, पता नहीं चलता कि अब देश के कब किस इलाके में कब धारा 144 लागू हो जाए, कब इमरजेंसी लागू कर दें पता नहीं है, और कब नेट सेवा बेहाल कर दें। तो आपने तो पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना दिया। कैसा हिंदू हृदय सम्राट जो हिंदुओं को दफना रहा है रेत में, और जब आंधी चलती है तो रेत उड़ता है तो उनकी लाशें दिखाई देती हैं, या एक ऐसा हिंदू सम्राट जो जिसने हिंदुओं को ही नदियों में लाशें बहा दी उनकी, ऐसा हिंदू सम्राट, इसे आप हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। बताइए ना, हिंदू हृदय सम्राट होते तो लोगों के घर में जाके पूछते कि आज फुटपाथ पे भीख मांगने वाला हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। मोदी जी ने जाके पूछा कि कितने लोग भूख से वंचित हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं, है सरकार के पास ये आंकड़ा कि कितने लोग इस देश के अंदर प्रतिदिन भूख के कारण मरते हैं, कितने लोग इस देश के अंदर प्रतिदिन फुटपाथ पे मरते हैं, कितने लोग आत्महत्या करके मरते हैं, है सरकार के पास आंकड़ा? सरकार के पास सिर्फ आपको इस बात का आंकड़ा मिलेगा कि कितने इस देश के अंदर अब तक क्रिकेटर मरे हैं, कितने क्रिकेटरों के कुत्ते मरे हैं, कितने इस देश के अंदर पॉलिटिशियनों को चोट लगी है, या कितने इस देश के अंदर पॉलिटिशियन के नेताओं के बच्चों को चोट लगी है, बताइए आप मुझे। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर रोज का प्रतिदिन का कितना खर्चा होता है बताइए देश की जनता को। प्रधानमंत्री मोदी जी का चश्मा कितने का है और वो ग्रहण देखने के लिए चश्मा कितने का मंगाते हैं बताइए इस देश की जनता को। आप कहते हैं ना क्यों मोदी जी के ऊपर तंज कसा जाता है, वो इसलिए कि देश की गरीब जनता के पास 10 रुपए का कपड़ा पहनने का पैसा नहीं है, 10 रुपए की रोटी खाने का पैसा नहीं है, और मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं तो क्या उनके ऊपर तंज नहीं कसा जाएगा? आपको दिखाई नहीं देता लेकिन हमें दिखाई देता है, इस देश की जनता को दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।